So hello everyone, I hope you are doing well. So welcome to day 7 of interview preparations. So आज हमारा चल रहा है SQL का सेकेंड लेक्चर है. जस्ट मैंने अटेंड नहीं किया था तो मैं इसकी रिकॉर्डिंग देख रहा हूँ. और इसका आज का एजेंडा है कैंडिडेट कीज क्या होता है, प्राइमरी की क्या होता है, कंपाइल कीज क्या होते हैं, फॉरेन की क्या होते हैं और इंट्रोडक्शन टू SQL, ये सारा टॉपिक हम आज कवर करने वाले हैं. All of these means and what are the various examples for it. Then so हमारा लेक्चर तो खत्म हो गया. तो बाकी मैंने ये नोट्स निकाले, व्हाट इज कैंडिडेट की क्या होता है, और उसके बाद प्राइमरी की क्या होता है, उसके बाद इंट्रोडक्शन टू SQL, सो कंपोजिट की यहाँ पे मेंशन किया है, बाकी फॉरेन की क्या होता है और कैस्केड, ये जो भी टर्म्स है वो क्यों यूज़ करते हैं. तो ये लेक्चर था हमारा पूरा, और बाकी नोट्स मैंने निकाल चुका हूँ. मैं उसके साथ साथ हमने किया था आज DSA रिवीजन. तो गाइस हम ऐड कर रहे हैं यहाँ पे जो MySQL इंस्टॉलर, क्योंकि अभी SQL के रिलेटेड बहुत सारे प्रोग्राम्स, क्योंकि टॉपिक अभी चल रहा है तो उसके रिगार्डिंग अभी MySQL इंस्टॉल कर चुका हूँ मैं. MySQL इंस्टॉलर प्लस वर्कबेंच, ये दोनों आपको इंस्टॉल करने होते हैं. अब जैसे गूगल का एग्जांपल ले तो गूगल का पैकेज 64 लाख का है, तो उसका बेस अमाउंट जो है वो 16 टू 18 लाख है जो हर महीने सैलरी आएगी. स्टॉक्स का जो कंपोनेंट है वो 35 से 36 लाख का है जो 4 साल के अंदर वेस्ट होते हैं. तीसरा होता है ज्वाइनिंग बोनस विच इज 1.5 लाख एंड परफॉर्मेंस बेस्ड बोनस विच इज 3.